बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अली एक्सप्रेस के एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आज की वीडियो जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है कुछ के दोस्तों। इस वीडियो को जो है ना आपने एंड तक लाजमी देखना है क्योंकि इसमें मैं सारे एरर जो है ना वो क्लियर करूँगा। ये सिक्योरिटी रीज़न वाला एरर और अनदर डिवाइस वाला एरर जो है ना उसको क्लियर करके दिखाएँ, उसका कोई हल निकालें। तो आज उसी सिलसिले में जो है ना वो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इस वीडियो के लिए आपके पास जो है ना वो एक तो ब्रेव ब्राउज़र होना चाहिए। ब्रेव ब्राउज़र में जो है ना वो मैं ज़्यादातर जो है ना वो काम नहीं करूँगा, आपको दिखाऊँगा, सिर्फ आपको जो है ना वो प्रोसीजर बता दूँगा कि उसमें आपने क्या क्या करना है। तो अभी जो है ना मैं अली एक्सप्रेस की एप्लीकेशन में जो है ना वो अकाउंट, न्यू अकाउंट जो है ना उसको लॉगिन कर दिया। तो न्यू अकाउंट लॉगिन कर दिया तो अभी मैं आपको एरर दिखाता हूँ कि कौन सा एरर जो है ना वो आता है और इसको हम आके जाके क्लियर करेंगे। ये अभी मैं वाउचर कलेक्ट करता हूँ तो ये एरर आ जाता है, टू प्रोटेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ योर अकाउंट, ये वाला एरर। तो ये एरर जो है ना इसको अब आज हम क्लियर करेंगे। और एक यूज़ अनदर डिवाइस वाला और कुछ दोस्तों का जो है ना वो स्लैश इट भी नहीं होता, उसको भी जो है ना वो हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों जिस आईडी पे आपको एरर आता है आपने उस आईडी को एक दफ़ा ब्रेव ब्राउज़र में ओपन करके लॉगिन करके और एक दफ़ा जो है ना वो आपको एरर जो है ना वो आपने ये दोनों स्लैश इट और ये ट्राई करना है तो आपको एरर आएगा। उसके बाद जो है ना आईडी आपकी सस्पिशियस हो जाएगी तो उसके बाद हम उसको वेरीफाई करेंगे ईमेल भी और उसकी मोबाइल वेरीफिकेशन भी करेंगे। तो ये एरर हमारा जो है आप देखेंगे कि वो किस तरह सही होगा। तो आगे चल के इस वीडियो को जो है ना वो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये ईमेल एड्रेस है, इसको अभी हम इसमें से जो है ना वो सारे एरर जो है ना वो क्लियर करेंगे। तो ब्रेव ब्राउज़र में जो है ना वो मैंने सारा प्रोसीजर ये ऑलरेडी करके रखा हुआ था। आप दोस्तों के क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इस वजह से, तो अभी मैंने ऐप डाटा जो है ना वो अली एक्सप्रेस की एप्लीकेशन से सब कुछ जो है ना इस आईडी का सब कुछ क्लियर कर दिया है, ऐप डाटा क्लियर कैसे सब कुछ कर दिया। तो अभी जो है ना वो नेक्स्ट ब्रेव ब्राउज़र में भी मैंने सब कुछ करके रखा हुआ था। तो ब्रेव ब्राउज़र में मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि क्या करना है। आपने एक दफ़ा अली उसमें आपने यही सेम आईडी जो है ना अपनी जिस पे एरर आ रहा था वो आपने लॉगिन करनी है और बोनस बडी एक दफ़ा आपने उस पे कर लेना है। जल्दी जल्दी ये सारा प्रोसीजर जो है ना वो आप देख लें। ये लिंक जो है ना ये बार बार उधर अली एक्सप्रेस में खुल जाता है तो मैं अली एक्सप्रेस को जो है ना वो भी अनइंस्टॉल कर दूंगा क्योंकि ये बार बार लिंक जो है ना वो उधर खुल जाता है। तो मैंने जो है ना अली एक्सप्रेस का एक ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसमें दोस्त जो है ना एक दूसरे की हेल्प करते हैं, स्लैश इट के लिंक्स और बोनस बडी के लिंक उधर शेयर करते हैं। तो अगर आपको वो लिंक चाहिए, आप भी उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं लिंक जो है ना वो कमेंट्स में दे दूंगा, आप जो अभी ज्वाइन कर लें। तो ये ब्रेव ब्राउज़र में मैंने वो सेम आईडी जो है ना वो अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ, पासवर्ड भी दे दिया और मैंने तकरीबन आगे वीडियो जो है ना वो मैंने कट कर दिया। ये सारी प्रोसीजर मैंने कर दिया, उसके बाद ब्रेव ब्राउज़र की मैंने जो है ना वो सारी चीज़ें जो है ना क्लियर कैशे कर दी है, सब कुछ कर दिया। इसकी एप्लीकेशन को भी मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था तो अभी जो है ना वो मैं दोबारा अली एक्सप्रेस की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता हूँ। तो दोस्तों एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अली एक्सप्रेस की एप्लीकेशन भी हो जाएगी। तो अभी जो है ना अभी क्या करना है कि यही आईडी जो है ना इसको मैं अली एक्सप्रेस की एप्लीकेशन में सिर्फ आईडी लिख के और नीचे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करता हूँ, उस पर जो है ना वो मैं क्लिक करूँगा और जो है ना आगे नेक्स्ट चलते हैं।
अभी इंस्टॉल हो रही है, ये एप्लीकेशन जो है ना वो इंस्टॉल हो गई है। तो अभी इस एप्लीकेशन को जो है ना वो ओपन करते हैं। ओपन करके वही सेम आईडी जो है ना मैं ऊपर लिख के और साथ में नीचे जो है ना फॉरगेट पासवर्ड का बटन जो है ना वो उस पर क्लिक करूँगा, तो ये आईडी की वेरिफिकेशन जो अभी हम करने जा रहे हैं ईमेल से पहले करेंगे, क्योंकि हमने इसको ब्रेव ब्राउज़र में एक दफ़ा खोला था। ब्रेव ब्राउज़र में जो है ना वो ट्रैकिंग जो है ना वो ब्लॉक होती है, तो हमारी आईडी जो है ना वो अली एक्सप्रेस के सिस्टम में सस्पिशियस हो गई है, तो हम इसको वेरीफाई करेंगे अभी। तो साइन इन पर करते हैं और ईमेल मैंने उधर जो है ना अभी इधर ईमेल दे के और मैंने फॉरगेट पासवर्ड किया है वो मैंने दरमियान से वीडियो कट कर दिया, तो ये मैंने वही ईमेल दिया और जो है ना वही वेरीफाई पे क्लिक नीचे बटन है उस पर क्लिक किया है। तो अभी ये हमारी ईमेल की वेरिफिकेशन होगी, कोड हमारे जो है ना वो ईमेल एड्रेस पे आएगा और वो अभी कोड मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। ईमेल के वाला जो है ना वो हम ओपन कर लेते हैं, ये कोड आया हुआ है, ये कोड हम इसमें देंगे। एक कोड अभी इसमें डालते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो ये जो है ना ईमेल हमारा वेरीफाई हो गया। इधर मैं न्यू पासवर्ड देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा न्यू पासवर्ड सेट हो गया। अभी दोबारा से मैं जो है ना वो यूज़र आईडी और पासवर्ड दे के लॉगिन की कोशिश करता हूँ, तो जो हमने ब्रेव ब्राउज़र में इसको खोला था तो इस वजह से ये मेरी आईडी जो है ना सस्पिशियस हो गया थी। योर अकाउंट इज़ टेम्परेरी, तो रीगेन एक्सेस पे हम क्लिक करेंगे और आगे इधर से दोबारा हम अभी मोबाइल के साथ वेरीफिकेशन करेंगे। मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया और वेरीफाई नेक्स्ट पे क्लिक किया, मैंने अभी कोड मेरे मोबाइल पे आया, वो कोड अभी मैं इधर डाल के जो है ना वो इस मोबाइल के थ्रू भी इसकी वेरिफिकेशन कर लूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो दोस्तों ये आईडी जो है ना ये मेरी वेरीफाइड हो गई है, ये सक्सेस लिखा हुआ आ गया। ओके, अभी दोबारा मैं यूज़र आईडी पासवर्ड दे के जो है ना इसमें लॉगिन कर लेता हूँ, और ये मैंने लॉगिन कर लिया इसमें। तो अभी दोस्तों जो है ना फर्स्ट मैं ये पहला वाउचर कलेक्ट करता हूँ 1.98 वाला, तो ये देखें कंग्रेचुलेशन आ गया। पहले हमें इधर ही एरर आ रहा था, तो अभी जो है ना वो हमारा एरर जो है ना वो रिमूव हो गया। तो अभी एक जो है ना वो एक स्लैश हिट भी कर लेते हैं, ताकि एक स्लैश हिट बल्कि पहले अपनी जो है ना वो कंट्री चेंज कर लेते हैं, पाकिस्तान कर लेते हैं। ये रहा पाकिस्तान, अभी जो है ना वो पहला स्लैश हिट कर लेते हैं जो बिल्कुल फ्री में हमें मिल जाता है। स्लैश हिट पे मैंने क्लिक किया है, तो अभी ओपन हो रहा है। तो अभी दोस्तों अभी इसमें जो है ना वो बड़ी मैं इंटरेस्टिंग जो है ना वो चीज़ आपको बताने लगा हूँ कि अगर इधर भी आपको स्लैश हिट के दौरान भी अगर एरर आता है तो आपने क्या करना है। ये मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मुझे जो है ना वो इधर एरर आएगा और मैं आपको बताऊंगा कि उसको किस तरह आपने जो है ना वो सही करना है, एरर के बावजूद भी आप स्लैश हिट किस तरह करेंगे। आइटम मैं सेलेक्ट कर रहा इसको मैं स्लैश हिट कर देता हूँ, अच्छा इधर जो है ना भी आपने हाथ दिमागी से देखना है कि अगर एरर आता है तो फिर मैं क्या करता हूँ।
तो ये देखे दोस्तों मुझे एरर आया और साथ में जो गेट द लोएस्ट प्राइस है बटन बना हुआ है जिधर हैंड आ रहा है इस पर मैं कंटिन्यूस क्लिक करता हूँ। देखे मैं कंटिन्यूस क्लिक कर रहा हूँ, कंटिन्यू क्लिक करूँ करता रहूँगा तो थोड़ी देर के बाद ये स्लैश हो जाएगी। तो मैंने इस ट्रिक से जो है ना वो बहुत सारे स्लैश हिट किए हैं और 100% ये ट्रिक जो है ना वो वर्क करता है। अभी बहुत से दोस्त जो है ना वो स्लैश हिट पे क्लिक करते हैं, एरर आ जाता है तो बैक कर देते हैं। आपने नीचे बटन पे कंटिन्यूस क्लिक करते रहना है, कंटिन्यूस तेज़ी तेज़ी से क्लिक करना है और फिर बैक कर देना है। अगर आपका नहीं होता बैक कर दें तो दोबारा स्लैश हिट करें और दोबारा जब आए तो कंटिन्यूस उस पर क्लिक करते रहें। अभी बोनस बडी करते हैं, अभी देखे इधर भी एरर नहीं आया और हमारा बोनस बडी भी जो है ना वो आगे ये हो गया। अभी एक जो है ना वो रेफ़र चाहिए लेकिन रेफ़र की ज़रूरत नहीं है, मैं जो है ना इसमें से अभी हम ऑर्डर करेंगे तो ये खुद ब खुद जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट अभी चलते हैं अपने जो है ना वो फर्स्ट ऑर्डर की तरफ। तो पहला ऑर्डर जो है ना वो न्यू यूज़र वाला कर लेते हैं। तो मैंने जो है ना वो आइटम एक सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं जो है ना वो उसको ही आपको जो है ना वीडियो को जो है ना वो शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। तो मैं जो है ना दरमियान में सर्चिंग वाली जो वीडियोज़ है ना उसको मैं दरमियान से ख़त्म कर रहा हूँ ताकि जो है ना टाइम कम से कम लगे। अभी उधर एरर आया था तो मैंने किस तरह एरर को क्लियर किया और आगे भी मुझे अभी एक दफ़ा एरर आ गया तो अभी मैं स्लैश इट और भी करूँगा तो ये एरर आएगा उसके बावजूद भी मैं स्लैश करके आपको दिखाऊँगा। तो अभी जो है ना वो इस तरह तो बहुत देर लग जाएगी। तो मैं चीज़ जो है ना वो सिलेक्ट करके फिर जो है ना अभी ये चीज़ मैंने सेलेक्ट कर ली है और ये न्यू यूज़र वाली 1.15 ये जो है ना इसमें 1.98 वाला वोचर $4 वाला वोचर इस पर लगा है। तो ये ऑर्डर जो है ना मैंने अपना इसी दौरान मैंने अपना कार्ड भी ऐड कर दिया है और एड्रेस भी ऐड कर दिया है। तो ये पहला ऑर्डर मैं करने लगा हूँ। तो ये देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है, कोई एरर नहीं आया क्योंकि मेरी आईडी जो है ना वो वेरीफाई हो गई थी मोबाइल के थ्रू भी और ईमेल आईडी भी दोनों वेरीफाई थी जिसकी वजह से एरर नहीं आया। तो ये एक ऑर्डर जो है ना हमारा हो गया। अभी स्लैश इट वाला जो है ना वो हम बाय करते हैं। इसी दौरान जो हमारा जो है ना वो बोनस बटी जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, उसमें हमें रेफर की ज़रूरत ही नहीं होगी। पहले वाला जो है ना इस पर बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ, साथ ही एड्रेस और कार्ड ऑलरेडी मेरा सेव है तो इसको भी जो है ना वो मैं बाय कर लेता हूँ, प्लेस ऑर्डर करता हूँ। और ये पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, ये 5 कॉइन भी कलेक्ट कर लेते हैं। अभी कितने ऑर्डर हो गए? 2। अपना बोनस बड़ी जो है ना वो क्लेम कर लेते हैं। तो बोनस बड़ी की तरफ चलते हैं, गेट 20 पे क्लिक करता हूँ और ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ये थोड़ा टाइम भी ले लेता कभी कभी। तो हम इतने तक अपने जो है ना वो स्लैश इट करते हैं तो ये जो है ना इतने तक रिफ्रेश भी हो जाएगा और ये कंप्लीट भी हो जाएगा। तो स्लैश इट बाकी अभी 3 प्रोडक्ट जो है ना वो मैं स्लैश करूँगा, इसमें एरर के साथ जो है ना वो आपको करके दिखाऊंगा। ये ट्रिक जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये कोई भी आपको नहीं बताएगा, ये इस ट्रिक से मैंने बहुत सारे स्लैश इट किए हैं और ये 100% काम करता है मेरे लिए तो करता है। अगर आप दोस्तों के लिए ये काम नहीं करता तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। अब इधर से जो है ना वो मैं बारी बारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस पर देखिएगा अभी एरर भी आएगा लेकिन मैं कंटिन्यूस उस बटन पे क्लिक करता रहूँगा तो ये स्लैश हो जाएगा। आइटम जो है ना वो ऊपर चले गए आई थिंक, इजी वाले ही जो है ना वही जल्दी हो जाते हैं।
हाँ तो एक तो ये फर्श जो है लेडीज़ ये वाला करता हूँ। अभी देखिएगा इस पे जो है ना एरर, ये एरर आया और मैंने उसके साथ ही जो है ना वो कंटिन्यूस गेट द लोएस्ट प्राइस बटन जो है ना उस पर क्लिक कर रहा हूँ, कंटिन्यूस क्लिक कर रहा हूँ और वो देखें ये देखें स्लैश हो गया। अभी एक रेफर की ज़रूरत है और ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह जो है ना अभी मैं दूसरा आइटम जो है ना वो सिलेक्ट करता हूँ, ये ह्यूमिडिफायर ये मैंने किया है, इस पर भी एरर आया और मैंने कंटिन्यूस जो है ना गेट द लोएस्ट प्राइस जो बटन बना हुआ है इस पर क्लिक कर रहा हूँ और ये स्लैश हो गया, दो हो गए। अभी तीसरा ये ब्लूटूथ स्पीकर, अभी ब्लूटूथ स्पीकर पे क्लिक किया है, अभी इधर भी मुझे एरर आएगा और मैं कंटिन्यूस उस पर क्लिक करता रहूँगा तो ये हो जाएगा स्लैश। अच्छा एक इसमें ये भी है कि अगर आप कंटिन्यूस क्लिक करते हैं उसके बाद भी आपको एरर आता है, एक दफ़ा बैक जाएं उसके बाद आप दोबारा जो है ना उस पर स्लैश हिट करके आएं। अब ये तीनों लिंक जो है ना ये मैं ग्रुप में जो है ना वो शेयर करने लगा हूँ, जो व्हाट्सएप का ग्रुप हमने बनाया हुआ है उसमें मैं शेयर करने लगा हूँ, तो ये इसमें जो है ना वो दोस्तों से मैं हेल्प ले के तो इसको भी कंप्लीट कर लूँगा। तो ये जो है ना ये आज दोस्तों से जो है मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपसे ये शेयर कर लूँ कि ये किस तरह स्लैश हिट का, काफ़ी दोस्तों को जो है ना वो एरर आता है तो वो बार बार उधर भी पूछते रहते हैं। तो अगर आपने इस ग्रुप को भी ज्वाइन करना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जो है ना वो लिंक दे दूंगा और आप सब दोस्त जो है ना इसमें एक दूसरे की हेल्प करके जो है ना ये स्लैश हिट आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तीनों लिंक जो है ना वो मैंने ग्रुप में शेयर कर दी, ये देखिए दोस्त इसमें जो है ना वो मैसेजेस कर रहे हैं, तो मैं भी लिख देता हूँ प्लीज एनीवन कैन हेल्प, ये मैंने मैसेज कर दिया। तो अभी चलते हैं फिर AliExpress की एप्लीकेशन की तरफ, तो अभी हम जाते हैं बोनस बटी में, सॉरी ये स्लैश हिट दोबारा गेट 20 पे क्लिक करता हूँ। हम इधर से बोनस बड़ी को क्लेम करेंगे, कार्ड मेरा ऑलरेडी सेव है तो मुझे यकीन है कि एरर नहीं आएगा। क्लेम पे क्लिक करता हूँ, ये जो है ना अभी कंप्लीट हुआ पड़ा, पहले नहीं हुआ हुआ था लेकिन अभी ये हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर करें इसको और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अभी वीडियो को जो है ना वो मैं एंड करता हूँ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।